बिल्कुल देखिए, आज अब आखिर इसमें आपको क्लियरली एक अच्छी रिकवरी तो एंड ऑफ द डे में दिख रही है। इनफैक्ट आप अब तक आप देखेंगे तो डेज हाई पे था बाजार थोड़ी देर पहले, लेकिन अब फिर से 17,300 के नीचे क्लोज हो रहा है। सो आज बहुत ही टाइट रेंज में लगभग 100-125 पॉइंट तक की रेंज आप समझ लीजिए, जो एक मूव आई थी आपको 2-2.5 बजे के करीब 150 पॉइंट की रेंज आपको ओवरऑल दिखी होगी आज बाजार पर। लेकिन बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अभी फिलहाल जो है वो गेंस इरोड हुए हैं, तो हम एक वीक क्लोजिंग जरूर देखे जा रहे हैं, लेकिन इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। जिस तरह की हम फिगर्स देख रहे हैं, ग्लोबल सिनेरियो भी कोई ऐसे बड़े नहीं रहते, इट कैन बी अ प्रॉफिट टेकिंग ऑल्सो। बट कमिंग बैक टू द स्टॉक्स एंड सेक्टर्स जो आज परफॉर्म कर रहे हैं, आपको क्लियरली आज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिन स्पेसेस में अर्निंग्स का अच्छा ट्रिगर है उन स्पेसेस में आपको बड़ी मूव दिखी। जैसे तीन स्पेसेस मुझे यहाँ हाईलाइट करने हैं, पेन स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स और साथ ही बैंक्स। बैंक्स तो क्लियरली आपको अच्छी स्ट्रेंथ दिखा भी रहे थे, अभी फिलहाल भले ही हम थोड़ा सा वीक क्लोजिंग दे रहे हो, थोड़े से ऊपर के जो गेंस थे, गेंस एक्चुअली कहना चाहिए, रोड हो गए, लेकिन आप सारे मिड कैप बैंक्स में देखें और ये सिलसिला लगातार आपको इंडसइंड बैंक से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है जब से नंबर्स आने शुरू हुए थे। कल भी हमने देखा था और आज भी आप देखेंगे तो बीओबी और मिड कैप सेगमेंट के सारे बैंक्स में काफ़ी अच्छी मूव दिख रही हैं। बॉन्ड यील्ड सॉफ्ट हुई हैं, वो एक बड़ा फिगर है, और इनफैक्ट निफ्टी गेनर्स में इस वक्त आपके पहले पांच काउंटर में इंडसइंड बैंक और SBI दो बैंक्स भी शामिल हैं। इसके अलावा पेन स्टॉक की हमने बात की, पेन स्टॉक जब से एशियन पेंट्स के नंबर्स आए, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा है, कैंसर नैरोलैक वहाँ नंबर्स का भी ट्रिगर था, और उनका एक लैंड बैंक का जो लैंड पार्सल उसको सेल करके एक्सपेंशन प्लान्स की बात है वो भी ट्रिगर था, लेकिन पूरा पेंट स्पेस आप देखें वहाँ तेजी है, एशियन पेंट्स में तेजी, मारुति आपको नंबर्स पैसेंजर व्हीकल के नंबर्स अच्छे आए हैं, मारुति के नंबर्स हो, M&M के पैसेंजर व्हीकल डिविजन के नंबर्स हो, वहाँ अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और उसको आप क्लियरली इंपैक्ट देख भी रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स जो है वो आज भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे। आज थोड़ा सा सॉफ्ट कौन से काउंटर से लास्ट आर में, हालांकि जब बाजार ने स्टार्ट किया था तो भले थोड़ा सा डिफेंसिव बेट ज्यादा दिख रही थी, FMCG पैक में ज्यादा बाइंग दिख रही थी पोस्ट द ITC नंबर्स, लेकिन बाद में गेंस इरोड हुए हैं और लूजर्स में भी आपको ब्रिटानिया जैसे काउंटर इनफैक्ट आज के लूजर्स दिखाई दे रहे हैं। UPL अच्छा चल चुका था और उसके बाद आज वहां पर भी आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, तो क्लियरली आज आपको सेलेक्टिव पॉकेट्स और जहां पर भी ट्रिगर्स है, न्यूज का कोई ट्रिगर है, वहां पर आपको अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। अदरवाइज बाजार अब इस वक्त 17,300 के नीचे क्लोज, इनफैक्ट 17,300 के ऊपर क्लोज हुआ है फटाफट, ये एक रिकवर आप देख रहे हैं मार्केट को होते हुए, या कुछ नंबर्स एग्जैक्ट लेकर आएंगे हम। 17,345 इस वक्त आप निफ्टी पर देख रहे हैं जो क्लोजिंग हो रही है, लेकिन बैंक्स ने जो अपनी इनिशियल गेन थी 250-300 पॉइंट्स की, जो हम मिड डे तक 2 बजे तक भी देख रहे थे 150 पॉइंट्स की तेजी थी, वो थोड़ी सी इरोड जरूर हुई थी, लेकिन अब नाउ दीज आर राइट पिक्चर्स आई थिंक। तो निफ्टी आपको 17,300 के ऊपर दिख रहा है क्लोज होते हुए, और बैंक निफ्टी आपको लगभग यहाँ 78,000 के ऊपर 120 पॉइंट्स के गेंस के साथ जरूर दिखाई दे रहा है। तो बैंक स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बैंक्स पर कई सारी बुलिश बेट्स भी हैं, इनफैक्ट आज भी BTST के ट्रेड्स हमने ज्यादा आइडेंटिफाई किए हैं। बैंक्स आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, फाइनेंस काउंटर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, टायर, ऑटो, ऑटो एंसिलरी वहां पर आपको कई सारी बेट्स दिख रही हैं, और साथ ही आपको CG स्पेस भले ही यहाँ कुछ बड़े नंबर्स हैं थोड़ा सा शायद चल चुका है और इसलिए वहाँ पर एग्जॉशन दिख रही है, लेकिन पावर स्टॉक्स पर भी आप देखें, NTPC, पावर ग्रिड, कुछ सिलेक्टिव मेटल काउंटर्स वो आपको आज के ट्रेड के लिए तेज दिखाई दे रहे हैं। तो देखना होगा कि कल किस तरह से हम आज ग्लोबल क्यूज ओवरनाइट किस तरह से क्यूज निकल कर आते हैं और कल कहाँ पर पोजिशनिंग होती है। फिलहाल बाजार 17,300 के ऊपर क्लोज होने में एक फिर से इट हैज बीन ओवर द वॉर ऑफ 17,300। शो को फिलहाल यही समेटेंगे, हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश, ओशो, ध्वनि, आपने समय दिया, आपने पिक्स हमसे शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल सुबह ओपनिंग फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन मार्केट के बाद भी अपडेट्स, न्यूज अपडेट्स, जनरल और साथ ही बिजनेस जगत से सारी खबरें लगातार बनी हुई हैं। नमस्कार।